हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने अपने बायोलॉजी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, जिसमें आज हमारा सेकंड वीडियो है और आज हम जीवों के पांच जगत वर्गीकरण को देखने वाले हैं। तो हम पांच जगत वर्गीकरण को एक एक करके पढ़ेंगे। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस भी स्टूडेंट को बायोलॉजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हो, उसको क्या करना है, केवल हमारे चैनल से जुड़ना है और जुड़ करके उसको हम जितनी भी सारी वीडियोस अपलोड करेंगे उसको देखना है। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि जो RH व्हिटेकर नामक एक साइंटिस्ट थे, कौन थे फ्रेंड्स, RH व्हिटेकर, RH व्हिटेकर नामक एक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। किस आधार पर? एक थे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन आते थे? मोनेरा। और यूकैरियोटिक सेल में सेल के टू टाइप्स होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय और मल्टीसेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय। तो यूनिसेलुलर में कौन आते हैं? प्रोटिस्टा और मोनेरा आ जाएंगे हमारे। ये मोनेरा आएंगे और कौन? प्रोटिस्टा। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं मल्टीसेलुलर में कौन आएंगे। मल्टीसेलुलर में टू टाइप्स के आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक होंगे विद सेल वॉल और एक होंगे विदाउट सेल वॉल। तो विद सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति जिनमें पाई जाएगी, वो होंगे प्लांटी मतलब पादप जगत आएंगे इसमें, और फंजाई मतलब कवक आएंगे इसमें। और इसमें विदाउट सेल वॉल में कौन आएंगे? एनिमलिया जगत के प्राणी आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर देखते हैं मोनेरा के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मोनेरा है और ये हम देखते हैं इनके क्या क्या कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहला हमारा कैरेक्टर हमारे फ्लो चार्ट को ही देखने से पता चल रहा है कि ये क्या होंगे, एक प्रोकैरियोटिक होंगे और यूनिसेलुलर होंगे। ओके फ्रेंड्स, मतलब ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, ये हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। ये कौन होंगे? बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है कि इसमें जो कोशिकांग होंगे, जो एक मान लो ये सेल है, तो इसके जो कई सारे कोशिकांग होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं, नॉट डेवलप। ओके फ्रेंड्स, तो जो ये सारे सेल ऑर्गन होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ गए हैं जीव, कौन कौन से जीव आएंगे? एक होंगे सूक्ष्म और दूसरे प्रोकैरियोटिक। सूक्ष्म और प्रोकैरियोटिक होंगे और यूनिसेलुलर होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा दूसरा कैरेक्टर क्या है, इसमें कौन से जीव होंगे? उसमें उनकी जो कोशिका भित्ति होगी मतलब सेल वॉल होगी फ्रेंड, वो सेलुलोज की बनी होगी, सेलुलोज की बनी होती है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो सेलुलोज है ना, ये बहुत जटिल शर्करा होती है। और देखते हैं इनका कोशिकांग, इसमें कोशिकांगों का अभाव होगा, हमने आपको पहले ही बता दिया, नॉट डेवलप्ड होंगे सेल ऑर्गन जो है, नॉट डेवलप्ड होते हैं, इनमें कोशिकांगों का अभाव होता है मतलब अनुपस्थित होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लेते हैं पोषण, इनका पोषण कैसे होता है। ये स्वपोषी होते हैं मतलब पोषण जो है अपना स्वयं से करते हैं। इनका जो प्रजनन होता है मतलब ये कैसे जनन करते हैं, अलैंगिक जनन द्वारा किसे कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं अलैंगिक जनन में जो गैमेट होते हैं मतलब युग्मनज होते हैं, ये नहीं बनते हैं, युग्मनज नहीं बनते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं हम इसके एग्जांपल में क्या क्या आते हैं। मोनेरा जगत में जीवाणु आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ऑर्किबैक्टीरिया और ETC मतलब आदि बहुत सारे जीव इसमें आते हैं। तो ये इस जीवाणु के बारे में देखते हैं, हमारे शरीर में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, वो जीवाणु के कारण होता है, जिसके कारण हमें फीवर आ जाता है और हमारा शरीर बहुत ही गर्म हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने मोनेरा को देख लिया, इसमें कौन कौन से जीव आएंगे, सूक्ष्म और प्रोकैरियोटिक होंगे, इनकी जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोज की बनी होगी, कोशिकांग का अभाव होगा और इनका पोषण जो है स्वपोषी होते हैं, स्वयं का पोषण करते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं, और इनका जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक जनन द्वारा होता है। और इसमें एग्जाम्पल है इसके कौन से जीवाणु आएंगे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ऑर्किबैक्टीरिया और बहुत सारे जीव आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम आते हैं प्रोटिस्टा पर।
प्रोटिस्टा जगत में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फ्लो चार्ट से देखने से सबसे पहला कैरेक्टर ये पता चल रहा है कि ये यूकैरियोटिक होंगे और एक कोशिकीय होंगे। यहाँ पर देखिए यूनिसेलुलर है और क्या यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या पता चला कि ये यूकैरियोटिक होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। इनमें जो केंद्रक होता है, अब ये थोड़े एडवांस में आ गए, तो इनमें जो केंद्रक होता है वो उपस्थित होता है। ये जो हमारा सेल होता है ना ये, तो फ्रेंड जो इनका सेल वॉल होता है और इनके बीच में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। क्या होता है? ये केंद्रक होता है। इनमें जो केंद्रक होता है वो उपस्थित होता है और इसमें ये थोड़ी एडवांस किस्म के हैं, मतलब मोनेरा से तो ज़्यादा ही बेटर ये हैं कि इसमें ये यूकैरियोटिक के होंगे और एक कोशिकीय। बट ये एक कोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय हैं, ज़्यादा वो एडवांस होते हैं, इनसे ज़्यादा एडवांस हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय, केंद्र किस में उपस्थित होता है और इनका पोषण किस प्रकार होता है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सूर्य के प्रकाश में तो स्वपोषी होते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश में क्या लेते हैं, ये सनलाइट ले लिए, क्या सनलाइट ले लिए, प्लस H2O ले लिए मतलब जल ले लिए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ले लिए। तो ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं, क्या ग्लूकोज ये खुद बना सकते हैं, इसलिए ये स्वपोषी होते हैं। बट अगर सूर्य की अनुपस्थिति भी होती है ना ये, तब ये परपोषी होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये परपोषी होते हैं। अगर सूर्य की अनुपस्थिति है तो वो परपोषी हो जाते हैं, मतलब दूसरे जीव पर निर्भर हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देखिए ये यूकैरियोटिक होंगे, एक कोशिकीय होंगे, केंद्र किसमें उपस्थित होगा और पोषण इनका सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी होते हैं ये, और अगर अनुपस्थिति भी होगी तो ये परपोषी होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम इनका एग्जांपल देखते हैं क्या क्या है। एग्जांपल है अमीबा, युग्लिना, पैरामेशियम। ओके फ्रेंड्स, अमीबा का स्ट्रक्चर देखिए इस प्रकार होता है, ये ऐसे देखिए किसी भी शेप का नहीं होता और इसमें बीच बीच में ये केंद्र पाया जाएगा और कई सेल ऑर्गन होते हैं इसमें, हम ऐसे ऐसे करके बना दे रहे हैं। तो अमीबा है ये। और फ्रेंड्स ये युग्लिना है ना, युग्लिना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न रखिएगा। इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि इसको ना तो हम पादप जगत में रखेंगे और ना ही जंतु जगत में रखेंगे, मतलब ये पादप जगत और काम लिखे यहाँ पर हमारे स्पेस खाली है, पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी है, के बीच की कड़ी है, इसको पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लर्न रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर देख लेते हैं पैरामेशियम। ये पैरामेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये देखिए यहाँ पर ये हमारे स्लीपर के आकार का होता है। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा स्लीपर के आकार का होता है। तो हम अपने नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं और अब हम बताएंगे आपको कवक जगत। कवक जगत में क्या क्या हम देखने वाले हैं, देखिए यहाँ पर ये यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। हमने फ्लो चार्ट में आपको अच्छे से बता रखा है, आप समझ गए होंगे कि ये यूकैरियोटिक होंगे और बहुकोशिकीय होंगे, मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। ओके फ्रेंड्स, और इनकी कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है, वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न रखिएगा, काइटिन। और कीटों की जो कोशिका भित्ति होती है, हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, कीटों की कोशिका भित्ति, कीटों की कोशिका भित्ति भी किसकी, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की होती है। ओके मैम, तो ये काइटिन जो है बहुत ही जटिल शर्करा है। तो यहाँ पर देखते हैं इनका शरीर, इनका जो बॉडी होता है वो तंतु का समूह होता है। तंतु का समूह मतलब तंतुवत होता है, तंतुवत इनका जो बॉडी होता है वो तंतुवत होता है, जो एक कवक जाल के रूप में होता है, जिसे हम माइसिलियम कहते हैं। ये क्या है? माइसिलियम। इस वर्ड को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इनका देखिए चौथा कैरेक्टर है, भोज्य पदार्थों का संग्रहण जो है ये ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं और तेल की बूंदों के रूप में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका एग्जांपल देखिए, एगेरिकस, ईस्ट, पेनिसिलियम, राइजोपस, ETC, बहुत सारे हैं ऐसे, जिनसे ईस्ट इसका प्रयोग हम ब्रेड बनाने में करते हैं,
और जो पेनिसिलियम है ये एक प्रतिरोधी है, इसका भी यूज़ किया जाता है बुखार उखार ठीक करने में किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो हम देख लेते हैं ये जो फंगल इन्फेक्शन हमारे शरीर में होता है, एक बात हम जानते हैं क्या फंगल इन्फेक्शन होता है? ये जो है कवक ही फैलाते हैं। क्या? कवक, जो फंजाई हैं यही फैलाते हैं। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट किंगडम पे, वो है प्लांट किंगडम, मतलब पादप जगत। तो पादप जगत में हम देखते हैं ये क्या है, यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय है। ये क्या है, यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय है, मतलब इनकी जो सेल है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी, इनका जो शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसमें देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति है सेलुलोज की बनी होगी। क्या? सेलुलोज की बनी होगी। ओके फ्रेंड्स, सेलुलोज को हमने बताया कि ये भी एक जटिल शर्करा है। क्या है? जटिल शर्करा है, आप इसे अच्छे से लर्न रखिएगा, सेलुलोज काइटिन। ओके फ्रेंड्स, तो इनमें जो कोशिकांग होंगे, अब देखते हैं तीसरा कैरेक्टर क्या है, कोशिकांग, मतलब कोशिका के जो सभी अंग होंगे, जैसे मान लो यही हमारी कोशिका हो गई, हमारी पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका, इसके बीच में तो हम देखते आ रहे हैं क्या है, न्यूक्लियस, मतलब कि नाभिक नहीं फ्रेंड्स, तो केमिस्ट्री में हम चले गए, केंद्रक। क्या है? केंद्रक। तो इनमें जो है क्या क्या उपस्थित होंगे, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर, देखिए इस प्रकार का होता है, इस प्रकार से बना होता है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें ऐसे करके बने होते हैं, इन पर देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है, ये देखिए है, ये हमारे स्ट्रक्चर जो है इसको क्या कहते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम। और पता है फ्रेंड्स, तो इनके ऊपर जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनके बारे, इन सभी के बारे में आगे से आगे डिटेल में वर्णन करेंगे। तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक, मतलब कि अंतः प्रदब्बी जालिका, अंतः प्रदब्बी जालिका। ओके फ्रेंड्स, ये जो है रफ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे लर्न रखिएगा, एक होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रफ और दूसरा होता है स्मूथ। तो हमने यहाँ पर जो बनाया है ये रफ़ हैं, स्मूथ कैसे होंगे, इस प्रकार से ऐसे करके बने होते हैं, इस प्रकार से बने होते हैं, उनके ऊपर ये नहीं होता, जो ये रफ़ दिख रहा है ना, खुरदुरा दिख रहा है, ये नहीं होता है, वो बिल्कुल स्मूथ होता है। और देख लेते हैं इसमें क्या, गोल्जी बॉडी भी होते हैं इनकी, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, ये क्या है, गोल्जी बॉडी, मतलब गोल्जी का है, ये क्या है, गोल्जी को है। तो हमने पादप कोशिका में इतने सारे सेल ऑर्गन देखे, गोल्जी कॉय देखा, और क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतः प्रदब्बी जालिका, तो ये सभी जो हैं इनमें उपस्थित होते हैं पादप कोशिका में ये सभी उपस्थित होते हैं। और देखिए इनका पोषण किस प्रकार से होता है, ये कहते हैं, ये जो प्लांट्स है ये क्या कहते हैं कि हमको केवल क्या चाहिए, सनलाइट दे दो, मतलब सूर्य का प्रकाश। ओ सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा ऊपर हम कर लेते हैं, इसमें क्या है, सनलाइट दे दो, प्लस H2O दे दो, प्लस CO2 दे दो, हम क्या करेंगे, अपना भोजन खुद ही बना लेंगे, क्या, ग्लूकोज जो है हम खुद ही बना लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए पोषण इनका स्वपोषी हो गया, मतलब ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बट इनमें देखिए कुछ विषम पोषी भी हैं, मतलब कि जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे अमरबेल इसका एग्जांपल हो गया, ये क्या है, ये इसका एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद में आते हैं। सभी जो पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, बट कुछ पादप ऐसे हैं जैसे अमरबेल है, वो क्या है, विषम पोषी है। और इनमें भोजन का संग्रहण जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च, ये भी एक शर्करा है, ये पॉलीसेकेराइड है, सॉरी फ्रेंड्स, ये भी शर्करा है बट पॉलीसेकेराइड है।
ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर देखा भोजन का संग्रहण इनमें स्टार्च के रूप में होता है। तो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्या पादप जगत में ये क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। कोशिका भित्ति इनमें सेलुलोज की बनी होगी, कोशिकांग इसमें सारे उपस्थित होंगे, पोषण इनमें स्वपोषी होते हैं, ये इनमें पोषण ये खुद करते हैं अपना, मतलब स्वयं का पोषण कर सकते हैं ये। बट कुछ ऐसे भी पादप हैं जो स्वयं का पोषण नहीं कर सकते, वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये एक्सेप्शन में है क्या, अमरबेल। और इनमें भोजन का संग्रहण जो होता है, मतलब कि अगर ये मान लो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिए, तो इनमें संग्रहण जो है स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में इनका होता है। इसकी एग्जांपल देखिए, इसे मॉस हो गए और बीज वाले पौधे कई सारे होते हैं, सैवाल हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, जंतु जगत हम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको बायोलॉजी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए और उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। और केवल आप हमारे चैनल से जुड़िए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ना कीजिए। हम ये नहीं कहेंगे आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बट आप केवल हमारे चैनल से जुड़िए, हम आपको बायोलॉजी सिखाएंगे तो सिखाएंगे 100% सिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।